हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू आर टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर वीडियो इन दिस वीडियो वी आर लर्निंग अबाउट द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट सिनोनिम्स व्हाट सिनोनिम्स ओके सिनोनिम इज अ वर्ड व्हिच इज सिमिलर इन मीनिंग टू अनदर वर्ड फिर से सुनिए अ सिनोनिम इज़ अ वर्ड विच इज़ सिमिलर इन मीनिंग टू अनदर वर्ड इसका मतलब वे वर्ड जो कि सेम उसका अर्थ होते हैं ठीक है इन्हें हिंदी में समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं जैसे कि पर्यायवाची आपने पढ़ाया है सूर्य का सूरज भी होता है दिनकर भी होता है उसी प्रकार ही स्नोनिम्स होते हैं तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले देखिए आप या आपके लिखा सामने अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव को हम अपीलिंग भी कहते हैं फिर लिखा है अकम्पलिश यानी कि अचीव एडमिट कन्फेस अलाइक सेम असिस्ट हेल्प ऑफुल टेरिबल, बिगिन स्टार्ट बिग लार्ज बाय परचेज सेंटर मिडिल चाइल्ड का किड चूज़, सेलेक्ट कंप्लीट फिनिश डिलीशियस यमी डिपार्ट लीव Difficult, hard, easy, simple, and finish, enormous, huge, fast, quick, full, idiot, enjoyment, fun, garbage, trash, gather, collect, present, gift, excellent, ka, good, help, assist, thought, idea, interesting, exciting, kind, helpful, laugh, गिगल, लिसन हेयर मिस्टेक एरर, नील टाइडी तो देखा आपने ये जो वर्ड्स हैं आपके सामने इनके दूसरे वर्ड्स बोले गए हैं बट इनके मीनिंग चेंज नहीं हुए हैं तो यही हमारे कहलाते हैं सोनोनिम्स अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ के हम सीखते हैं एंटोनिम्स यानी कि जिसे हम अपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं तो एंटोनिम्स की डेफिनेशंस है एंटोनिम्स आर वर्ड विद अपोजिट मीनिंग यानी कि वह शब्द जिनका विपरीतार्थक अर्थ होता है तो स्टूडेंट्स हम एंटोनिम्स भी पढ़ लेते हैं जैसे कि अचीव का होता है फेल आइडल का होता है एक्टिव अफ्रेट का होता है कॉन्फिडेंट एशियन का मॉडर्न एराइव का डिपार्ट एरोगेंट का हम्बल एसेंट का डिसेंट अटैक का डिफेंस ब्रेव का कवर्डली कॉशिस का केयरलेस कॉम्प्लेक्स का सिंपल कॉम्प्लीमेंट का इंसल्ट क्रेजी का सेम का स्ट्रेट डिक्रीज का इंक्रीज तो ये हमारे हो गए एंटोनिम्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गए कि जो शब्द बिल्कुल उल्टे होते हैं विपरीत होते हैं उन्हें हम एंटोनिम्स कहते हैं तो स्टूडेंट जो भी मैंने आपको स्नोनिम्स और एंटोनिम्स करवाए हैं इन सबको आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में लिखना है ठीक है आगे ना समझ में आपको इंग्लिश क्रमर की कॉपी है आप उसी में लिखेंगे और अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे